Can I have one of my Indian friends? Can you come over? तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में, एक नए दिन में। तो जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में मुझे देखा ही होगा, मैंने ओपनिंग सेरेमनी अटेंड की। उसी के बाद मैंने 3-4 ट्राइब्स यहाँ के नागालैंड के एक्सप्लोर करने की कोशिश की, या वहाँ का कल्चर ट्रेडिशनल आपको दिखाने की कोशिश की। उसमें से जिलेंग ट्राइब हो गया, अंगामी ट्राइब हो गया, चेकेसांग ट्राइब हो गया, रंगबा ट्राइब हो गया। तो इस तरीके से ट्राइब मैंने कवर करने की कोशिश करी। और आज का दिन है, तीसरा दिन है, तो चलो चल रहा हूँ मैं आज के तीसरे दिन का फेस्टिवल अटेंड करने के लिए। फेस्टिवल की बात करूँ तो लगभग 10 दिनों का ही फेस्टिवल रहेगा। वेलकम टू नागालैंड, वेलकम टू हॉर्नबिल फेस्टिवल। वी आर लोटा ट्राइब। लोटा ट्राइब को विजिट करने के इस तरीके से लगाते थे फौज पहले। हे लोटा कम्युनिटी से है, एंड शी इज वेयरिंग दिस इज लोकल अटायर, इज अ लोटा कम्युनिटी। व्हाट्स कॉल्ड दैट यू आर वेयरिंग? इन अ डायलॉग वी यूज्ड टू कॉल सरम, इन योर लोकल लैंग्वेज, इन लोटा लैंग्वेज सरम। एंड नागामी you tell me in English also? Mekela. No, what you are wearing in upper? Yeah? We used to call Diva. Diva. So what's the like just for the aluminum? I think it's made up of Oxen. बेसिकली इस मोटर मगर तो मैंने ही पहन लिया। मोटर मगर बहुत बात हो गया जो लोग भी बहुत सुंदर होता है। How old are you? I'm 19 years old. उनका एम है कि उनको एयर हॉस्टेस बनना है। फ्रॉम द बर्थ ऑफ शी इज सो क्यूट, सो वो बन सकती। मैंने जैसे कि हर जगह पे बोला, हर घर में लाइक चूल्हा जलता है, इट इज राइस बियर भी है। राइस बियर तो ऐसे बनती है, ऐसा नशा हो जाता है ना। किस चीज का मीट है सर? बोक मीट नहीं, पीक। ऑल राइट, ओके। दिस वन सेम पीक मीट बिकॉज यू वांट टू मैरी। No, no. Which, what's that? This is yakuti. Yakuti? Yeah. Yakuti is a wild fruit. It's a wild fruit. Yeah. But मुझे ये समझ नहीं आया कि जब भाई ने ही उठा लिया, sir, are you married or something? I don't know. क्यों ऐसे वो खा सकता है? मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये बैचलर से खाएगा तो अच्छा, बैचलर खाएगा तो ठीक रहेगा। आप ट्राई करते हो? एक मोहतरमा खड़ी थी, मैं उनसे बस पूछ रहा था कि ये चीज क्या है। तो इस मोहतरमा ने बताया कि इसके अंदर राइस रखते हैं, जब कहीं बाहर जाते हैं, ऑन ग्राउंड जाते हैं, जब भी कुछ काम होता है बाहर के लिए, तो दे कैरी विद इनसाइड द राइस। ओके, द बास्केट ओवर देयर, इट इज यूजुअली मेड टू, इट इज यूज्ड फॉर कैरिंग स्टफ, एस्पेशियली द वुमेन फॉक व्हेन दे आर गेटिंग मैरिड एंड दे आर गोइंग टू देयर न्यूली वेडेड हस्बैंड्स प्लेस, दे विल कैरी ऑल द स्टफ इन दैट। सो इन दैट साइड, या या या, ऑल राइट, या सो दैट्स यूजुअली फॉर कैरिंग your items, their clothes and all. Okay. So that's the sole purpose. Okay. So basically carrying basket. Okay. It's like a modern day bag. Okay. बेसिकली मोहतरमा बोल रही थी, जब कोई लड़की ज्यादातर अपने हस्बैंड के घर चलती है तो अपने सारी चीजें इसमें डाल के वो लेके चलती है, ट्रेडिशनल के तौर पे। इवन नाउडेज मेबी नॉट इन दिस पर्टिकुलर शेप, बट इन डिफरेंट शेप्स वी हैव, वी आर स्टिल यूजिंग इट। सो नागालैंड का एक लोटा डिस्ट्रिक्ट है। लोटा डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट फ्रॉम इंग्लिश और हिंदी, इन हिंदी मोस्ट ऑफ ऑडियंस लाइक यू आर मिक्स विद हिंदी एंड इंग्लिश। लोटा डिस्ट्रिक्ट के एक लोटा ट्राइब के साथ यहाँ पर खड़ा, तो इन जनाब से मेरी बातचीत हो रही, तो ये मुझे कुछ समझाएंगे यहाँ पर। व्हाट ओका डिस्ट्रिक्ट हो गया, हु इज दैट? दिस इज वी आर ड्राइव ना फॉर एमएलएस, ट्रेडिशनल फायर मेकिंग। किस तरीके से वो बनता है? ये बेम्बो है, बेम्बो से ये घिस के इसे ऐसा करेगा ना, इसे करके वो गर्म होगा, गर्म हीट होगा। ओनली वन रिवर इन योर डिस्ट्रिक्ट दोयांग? Yes, this river is from Nagaland to Assam, the longest river in North East. In North East, yeah. All right. तो भाई सभी बता रहे हैं नागालैंड से दोयांग रिवर बह के असम की तरफ जाती है और ब्रह्मपुत्र में विलीन हो जाती है। लोकल टाइप ऑफ फिशेस। दिस रोस्टिंग प्लेस आल्सो दोयांग रिवर।
नियर बाय डोयांग रिवर अमुन फेकुन वर्ड है तो यू बस लाइक डोयांग रिवर के आस पास ही रहता है. नाइस टू मीट यू. थैंक यू सो मच. हैव गुड डे टू यू. अभी जो आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं वो है कोने कल्चर. इन्हें हेड हंटर के नाम से भी जाना जाता है. हेड हंटर के नाम से क्यों जाना जाता है? जब हम कोने टाइप को विजिट करेंगे तब उस बारे में जानने की कोशिश करें. ये तो कोई अतरंगी का डांस फॉर्म लग रहा है. मॉर्निंग सेक्शन यही समाप्त हो रहा है. आप अपने लोग अपने अपने ट्राइबल सेक्शन में जा रहे हैं. लॉन्ग डिस्टेंस रो है. 13 so far the best. Next we have Inavi from Sumi tribe all the way from Zinapa. Last year defending champion. First round finish होने आया है. क्या कल लोकल शॉट पुट चल रहा है इन लोगों का. So far the best 15.3. आज मॉर्निंग सेशन के बाद मैं एक्सप्लोर करूंगा सुमी ट्राइब को. तो चलो चलते सुमी ट्राइब की. दिस इज द सुमी ट्राइब. विकिपीडिया मान सकते हैं इसे. ले लो यहाँ पर इंस्टाग्राम फोटो. उनका ट्रेडिशनल पोशाक देख लो. ट्रेडिशनल पोशाक भी बहुत ज्यादा क्यूट है. बहुत बंदा भी स्मार्ट है, लड़की भी स्वीट है. एक चीज मैं हमेशा नोटिस की कि हम ज्यादा सोचते यहाँ पर मीट मछली ज्यादा मिलती है, लेकिन नहीं, यहाँ पर पम्पकिन वगैरह सब वेजिटेरियन भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल यहाँ पर अभी फिलहाल के. तो स्वीट कॉर्न से ऊपर की तरफ एक नॉर्थ ईस्ट में हर जगह देखा है. घरों में इस तरीके का चूल्हा जरूर होता है. ठंड काफी होती है नॉर्थ ईस्ट में, इसलिए भी इसके ऊपर हमेशा पानी रहता है, गर्म पानी, बॉयल पानी. नीचे से आग जली रहती है और यहाँ पर आदत भी है लोगों को बचपन से. नागा चूल्हे बहुत तीखी होती है. ये भी तरीके से कुछ अपने ट्रेडिशनल चीजें भी यहाँ पर रखी है इन लोगों ने. सो जैसे कि यहाँ पर इसके राइस बियर के लिए भी है. ये राइस बियर जिसे यूज करते हैं, एक ग्लास के तौर पे यूज करते हैं लोग. दिस इज फ्रॉम अंडर द ग्राउंड ना? नो, नॉट फ्रॉम अंडर द ग्राउंड. नॉट अंडर द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड. ओके, सो इट्स अ दो. ओके, ट्रांसलेट इन हिंदी फॉर ऑडियंस. एक्चुअली मैम ही बता रही है नीचे जमीन के नीचे नहीं उगता है, ऊपर पेड़ के ऊपर उगता है. हम कोकले से लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, इंग्लिश में से बोलते हैं. इंग्लिश में नो या यू आर वेरिंग दिस आल्सो हैंडमेड राइट? या या हैंडमेड. मॉडर्न डेज वी नो लॉन्गर यूज द सेम. ओके ओके. वी हैव मॉडर्न. दिस इज पेरेला सीड. पेरेला सीड या व्हेन वी ग्राइंड इट इट बिकम्स ऑयली. ओके एंड दिस इज द राइस पेडी एंड व्हाट्स कॉल्ड दैट आई नो सब्जी और समथिंग. या या सब्जी. ऑलराइट. व्हाट्स कॉल्ड दैट इन लोकल लैंग्वेज? आई टू साइड ब्रदर. हेड गियर. तो ये भी एक ट्रेडिशनल पहरावा लाइक यदर उमर और सम यंगर उमर आल्सो वेयरिंग दिस वन. ओके एंड व्हाट्स योर नेम? कविनो. एंड ब्रदर यू आर? निकातो. यू आर लुकिंग सो हैंडसम एंड यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस. बाय, टेक केयर. लाइक इन ओल्डर डेज दे आर यूजिंग दिस बाम्बू एंड जस्ट पुट इनसाइड द राइस एंड दे आर मतलब उसको राइस को डिफरेंस करने के लिए ये बनाते थे. Yeah, chop the rice and then soup it, na? You are from local? Yeah. Okay. Sumi. Sumi? Sumi. Okay. Kuvvet mi? Nagaland mi, na? Yeah. Sumi, na? Sumi. Sumi. Very popular. Yeah, yeah. Katarnak army local. Sumi. Sumi. Sumi, yeah. Yeah. Nagaland. Yeah. Yeah. Well, like, give me a hey. 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 Yeah. Hey. 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 तो यहाँ पे सुमी ट्राइब का फूड मेनू है. तो मेरे फूड मेनू तो लगभग सिमिलर काइंड ऑफ फूड मेनू होता है. बस थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग हो सकता है, थोड़ा सा मिर्च मसाला अलग हो सकता है, अलग तरीके से वो यूज करते होंगे. ऑयल कुछ कम ज्यादा यूज करते होंगे, बट मेनू सिमिलर है फ्रॉम अदर ट्राइब आल्सो. हॉर्नबिल फेस्टिवल को हर साल इम्प्रूव करने के लिए पर एक सर्वे किया जाता है, विजिटर सर्वे किया जाता है. हॉर्नबिल फेस्टिवल 2020 का विजिटर सर्वे आज से शुरू हो रहा है. फुल नेम, जेंडर एंड एज, आप कहाँ से हो एंड कितने दिन के लिए यहाँ पर हो. हाउ मेनी पीपल यू आर द लिमिटेड ग्रुप, मतलब कितने ग्रुप के नंबर में आए हो या तो कितने लोग हो. अलग अलग चीजें दिए, जैसे हॉस्पिटलिटीज दिया गया, आईटी फैसिलिटीज दिया, लोकल ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज दिया, लेवल ऑफ अपेरेंस कल्चर की दिया है, लैंड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए. उसके बाद इन द ड्रिंक्स एंड फूड बेवरेज एंड स्टेज एवरीथिंग इन पीजी कैंप्स डोम्स ट्रैवल एक्सपेंसेस कमेंट रिगार्डिंग इम्प्रूवमेंट. जो यूट्यूबर्स आते हैं मैं बिल्कुल उनके लिए एक मैसेज यहाँ पर छोड़ना चाहूँगा. जो भी यूट्यूबर्स आते हैं उनके लिए कम से कम एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर यूट्यूबर जाकर कैंपिंग साइट ढूंढ सकते हैं. यहाँ पर कैंपिंग साइट
बननी चाहिए ताकि जो भी यूट्यूबर्स आते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स आते हैं वो प्रमोट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया से भी ज़्यादा यूट्यूबर प्रमोट करते हैं इस फंक्शन को। सो मुझे लगता है कि यूट्यूबर्स के लिए कैंपिंग साइट देनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पीछे जो फंक्शन हो रहा है, 100 फेस्टिवल हो रहा है, इसके बिल्कुल नेक्स्ट जो है टोयोटा का शोरूम है। टोयोटा की तरफ से यहाँ पर फ्री में, जैसे कि लेंस गूगल पे जाकर लेंस से स्कैन करने के बाद, लाइक टूरिस्ट के लिए कुछ मैगीज एंड फ्री मर्चेंडाइज भी है, जैसे कि टी शर्ट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। सो लेट्स डू, मैं भी कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच। यू आर फ्रॉम, एवरीवन इज लोकल हियर? यस।